साथियों की सेवा में एक रचना के माध्यम से बताया गया है कि इस प्रकृति में मनुष्य अपने आप को बहुत चतुर समझता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि होई है वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। तो किस तरह से सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने इसका वर्णन किया है, ये सुनेंगे आप उपेंद्र राणा के द्वारा। अरे अपरम पारे तेरी माया, अरे अपरम पारे तेरी माया, और के कर दे एक क्षण के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच मन के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच मन के मैं, अपरम पार तेरी माया, और के करते एक क्षण के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच मन के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच मन के मन में, हे रावण ने भी सोची मन में, अंबर में पेड़ी लाऊं मैं, सब दुनिया आराम करे इस जल का दूध बनाऊं मैं, अग्नि से धुआं और जल से काई यो भी दूर हटाऊं मैं, बाप तो पहले बेटा मर जा यो भी दर्द मिटाऊं मैं, कहते कहते प्राण निकल गए रे, कहते कहते प्राण निकल गए और आग लगी स्वर्ण के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच मन के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच मन के दशरथ ने भी सोची मन में, दशरथ ने भी सोची मन में, और पंडित लोग बुलाए राम ने दूंगा राज तिलक नू, कर लूं मन के चाहे, वेर भरत की माता ने वे महलों बीच बुलाए, 14 साल का दिया दसोटा खोटे वचन सुनाए, नीचे कदम नीचे रह गया रे, नीचे कदम नीचे रह गया और बाकी गया गगन के मैं, मन की चाही होती कोन्या, मानस सोच
मन में दुर्योधन ने सोची मन में मंदिर में आग लगाई एकदम अग्नि प्रगट होगी कोना पार बसाई वेद खुला जब देखन लाग्या एक गुप्ती मोरी पाई छह जीव जल के मर गए उड़ दुनिया देखण आई एक सौ एक भेद मन के मैं मन की चाही होती कोन्या मानसो से मन के बितानी चाहिए आज कर सो अब कर लेना टेम गवानी चाहिए भुंडी बात की चर्चा ना कद मुंह पे लानी चाहिए बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी सभा में गानी चाहिए लक्ष्मी चंद अब भी संभलो रे लक्ष्मी चंद अब भी संभलो और लागो हरि भजन के मैं मन की चाही होती कोन्या मानसो से मन के मैं मन की चाही होती कोन्या मानसो से मन के मैं परंपार तेरी माया और के करते एक क्षण के मैं मन की चाही होती कोन्या मानसो से मन के मैं मन की चाही होती कोन्या मानसो से मन के मैं।